पहला सवाल हमें भेजा है हामिद अली साहब ने मदीना मुनव्वरा से। आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब, एक हदीस मुबारक में आया है कि इमाम उसको बनाया जाए जो कुरान सबसे अच्छा पढ़ता हो या जिसे कुरान ज़्यादा याद हो, जबकि फ़िक़्ह हनफी में लिखा है कि इमाम के लिए उसे मुकद्दम किया जाए जो ज़्यादा इल्म रखने वाला हो। इन दोनों बातों में बज़ाहिर तज़ाद और टकराव मालूम होता है, इसका क्या हल होगा? वजाहत फरमा कर शुक्रिया का मौका दें। इनके सवाल का हासिल ये है कि इमामत के लिए मुसल्ले इमामत पर किसको मुकद्दम करना और किसको खड़ा करना मुस्तहब है, यानी ऐसा शख्स जो मसाइल ज़्यादा जानता है, दीन का इल्म ज़्यादा रखता है, उसको खड़ा किया जाए या उस शख्स को खड़ा किया जाए जो कुरान करीम अच्छी आवाज़ में हरूफ के अच्छी अदायगी के साथ पढ़ता है। दूसरे अल्फाज में, मुसल्ला इमामत के लिए आलम को मुकद्दम किया जाए, उसे आगे किया जाए, या अकरा को मुकद्दम और आगे किया जाए। आलम का माना जिसके पास इल्म ज़्यादा हो, और अकरा का माना जिसे कुरान करीम की अदायगी अच्छी तरह आती हो या जिसको कुरान करीम ज़्यादा याद हो। देखिए, आपने जो हदीस कोट की है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला की जो फ़िक़ह है, उस फ़िक़ह के मसला को अगर अच्छी तरह इंसान समझ ले तो वाज़े हो जाता है कि इस हदीस मुबारक का माना क्या है। हम ये देखते हैं कि वाकई फ़िक़ह हनफी में ये बात मौजूद है कि अगर एक ज़्यादा इल्म रखने वाला शख्स हो और एक शख्स वो है जो ज़्यादा अच्छी किरात करता है, तो मुसल्ले इमामत के लिए ज़्यादा इल्म वाले शख्स को आगे किया जाए। उसकी दलील ये है कि सही बुखारी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस नंबर 678 में, 678 में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी के जब अय्याम थे और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया से विसाल फरमाना था, तो मरज़ुल वफ़ात में जब आप अलैहिस्सलाम की बीमारी कुछ ज़्यादा हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, लोगों को बताओ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बताओ कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। यहाँ ये इस बात का तस्करा करना ज़रूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सहाबा में दो शख्सियात हैं जिनको दो लकब दिए गए, नंबर एक ज़्यादा इल्म वाला, नंबर दो बड़ा कारी। ज़्यादा इल्म वाला यानी आलम और ज़्यादा कारी यानी अकरा। ज़्यादा इल्म वाला जो लकब दिया गया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया, और ज़्यादा कारी बड़ा कारी जो लकब दिया गया वो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। चुनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है सही बुखारी हदीस नंबर 466 में, आप फरमाते हैं, काना अबू बकरिन आलमोना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म हम सब से ज़्यादा था, हम में आलम ज़्यादा इल्म वाले थे। और दूसरी जानिब हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इसी सही बुखारी में मौजूद है हदीस नंबर 5005 में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उबैयुन अक़रऊना, कि उबैयु बिन काब हम में ज़्यादा कारी और बड़े कारी थे। अब दो शख्सियात हैं, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उबैयु बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब मुसल्ले इमामत देना चाहा तो आपने अकरा के हवाले न किया बल्कि आपने आलम के हवाले किया। हज़रत उबैयु बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद हैं। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसल्ले इमामत देना इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक ये है कि इमामत के लिए आलम ज़्यादा इल्म रखने वाला बंदा आगे आना चाहिए, ना कि वो शख्स जिसको कुरान ज़्यादा याद हो यानी अकरा। तो इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में जिस शख्सियत को मुसल्ला की इमामत दी है वो आलम है। इसके साथ दूसरी बात भी ये समझ लें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी में ये हदीस जो मैंने अर्ज़ की हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जब इसको कोड किया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब कायम किया, बाब अहले इल्म वल फजल हक बिल इमामा। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जो इल्म वाला और फजीलत वाला हो इमामत में वो बंदा मुकद्दम होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत के तहत
इस बात को साबित किया है कि इमामत के मुसल्ला पर आलम को और ज़्यादा इल्म वाले को आगे आना चाहिए। इससे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला और फ़िक़्ह हनफी का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता है कि इमामत के लिए आलम को आगे आना मुस्तहब है, ना कि अकरा को आगे आना। दूसरी अहम बात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की दलील में यह समझ लें कि किरात का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक रुकन के साथ है, क़याम में आपने जो सूरत पढ़नी है उसके साथ है, लेकिन इल्म का ताल्लुक ये नमाज के हर रुकन के साथ है। ऐसा मुमकिन है कि नमाज के किसी रुकन में कोई गलती ऐसी सरजद हो जाए कि आलिम होगा तो उसको तो इल्म हो सकेगा, लेकिन सिर्फ कारी होगा तो उसको इस गलती के का इदराक भी ना होगा और उसका इजाला भी ना कर सकेगा। इसलिए जो इल्म पूरी की पूरी नमाज के लिए ज़रूरी है, उस इल्म का हामिल शख्स वो आगे आना चाहिए, ना कि वो शख्स जो सिर्फ एक रुकन यानी किरात के का हामिल है उसको आगे आना चाहिए। तो ये दो दलीलें हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की, जिनसे मालूम होता है कि इमामत के लिए आगे आलम और इल्म वाले को करना चाहिए, ना कि अकरा और ज़्यादा किरात वाले को। जहाँ तक दूसरी रिवायत जो आपने कोट की है उसका ताल्लुक है कि ज़्यादा कारी हो उसको इमाम बनाया जाए, तो अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह आप ये बात इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसल्ला इमामत देना इस बात की दलील है कि जो पहले वाला हुक्म था वो मनसूख है, अब वाला हुक्म ये है कि आलिम और इल्म दीन वाले शख्स को इमामत का मुसल्ला देना चाहिए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये हदीस मुबारक के ख़िलाफ़ नहीं है।